सभ्यता और संस्कार का बहुत ज्यादा ख्याल रहता है, इसलिए जो कोई भी दर्द में होता है हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन चाइना इज चाहे नॉट आर पाकिस्तान भी हो, कॉम्पिटेटर। चाहे पाकिस्तान दर्द में हो, तो भी आप आगे बढ़ेंगे। अब चाइना में अजमल कसब नहीं पैदा हुआ था ना, चाइना में हाफिज सईद नहीं पैदा हुआ था ना, चाइना में उसामा बिन लादेन तो पैदा नहीं हुआ था ना। कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ है, कौन सा कुरान बताता है कि आप हिंदू पंडितों को धर्म परिवर्तन कराने के लिए आप उसकी बहू बेटियों की इज्जत आबरू छीन ले? ये कौन सा धर्म बताता है? अगर ये कोई धर्म बताता है तो इस धर्म को बंद हो जाना चाहिए। ठीक, हमारे हिंदुस्तान के एक मौलाना है, मौलाना साजिद रशीदी, वो कहते हैं कि कुरान अकल का काम नहीं है, नकल का काम है। तो हम नकलची बंदर हैं क्या? हम यहाँ पर नकलची बंदर बैठे हुए हैं क्या? ये जो हमने इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं, हमने जो संविधान पढ़ा है, हमने जो कुरान को पूरा रिसर्च किया है, तो हम नकलची बंदर बैठे हुए हैं क्या? हमारे कुरान ने कहा है कि बेकसूर की जाकर के जान ले लो। क्यों मुसलमान खुद को काफिर नहीं बोलता है? क्यों? देखिए, हमें दर्द, सभ्यता और संस्कार का बहुत ज्यादा ख्याल रहता है, इसलिए जो कोई भी दर्द में होता है हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन चाइना इज चाहे नॉट आर पाकिस्तान भी हो, कॉम्पिटेटर। चाहे पाकिस्तान दर्द में हो, तो भी आप आगे बढ़ेंगे। अब चाइना में अजमल कसब नहीं पैदा हुआ था ना, चाइना में हाफिज सईद नहीं पैदा हुआ था ना, चाइना में उसामा बिन लादेन तो पैदा नहीं हुआ था ना, चाइना में तो अजमल मुजाहिदीन जैसी चीजें तो नहीं हुई ना। तो चाइना जो है वो स्मार्टली चीजों को करता है, और पाकिस्तान जो करता है ना, वो देहाती और गधेड़ों की तरह चीजों को सामने लेकर के आता है और खुद के जाल में खुद ही फंस जाता है। आज जिस शरिया लॉ और इस्लामिक देश जो पाकिस्तान खुद को दिखाना चाह रहा है और सबसे किनारा किनारे हो चुका है, सारी दुनिया ने उसको पीछे छोड़ दिया है। तो मैं उस पर एक एक कोट मैंने निकाला निकाला है कि तुमको अब अल्लाह ही रखे, तुमको अब अल्लाह ही चखे पाकिस्तान, अब तो तुम अल्लाह के हवाले हो। अगर अच्छे हालत में हो तो अल्लाह ने तुम्हें संभाला, और अगर बुरे हालत में हो तो अल्लाह का कहर नाजिल हुआ पाकिस्तान पर। अब फिर से आ जाते हैं हम चाइना पर। चाइना इज नॉट आर कॉम्पिटेटर। पॉपुलेशन में भी अगर आप गूगल में सर्च कीजिएगा तो हम चाइना से ज्यादा हैं। अगर आप मेड इन इंडिया की चीजों पर जाइएगा तो ऐसा सीन क्रिएट हो चुका है, ऐसे सरकमस्टांसेस आ चुके हैं कि अब इंसान किसी चीज को अगर चाइना के सामान को देख लेता है तो वहीं पर छोड़ देता है कि चाइना का सामान हम नहीं खरीदेंगे क्योंकि ये टिकाऊ नहीं होता है। तो इंडिया से चाइना का कोई तोल और मोल ही नहीं है। अगर चाइना अगर को हम जमीन समझते हैं तो इंडिया को हम आसमान समझते हैं। हालिया में हमने सुना था कि यूएस ने इंडिया मेड इन इंडिया का 5G के लिए उन लोगों का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। उसके बाद फिर अभी यूपीआई के लिए और जितने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स है उसके एप्स के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो मेड इन इंडिया इज वेरी डेवलप्ड राइट नाउ। और देखिए, ये जो हिजाब पर लोग इतना चिल्लाते हैं और खास करके मुसलमान देश इतना चिल्लाते हैं, ये कॉटन, ये हैंडलूम, ये तांत, ये कहाँ से आया है? ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान का ही तो उपजाया हुआ चीज है, ये तो हिंदुस्तान की चीजें हैं। आप जो कॉटन के कपड़े पाकिस्तान में 3,000 4,000 में खरीदते हैं, हम यहाँ 600 700 रुपए में खरीदते हैं। तो दिस इज आर इंडिया ना, गरीबों का भी, अमीरों का भी, हर किसी का, हर एक तबके के लिए हिंदुस्तान सबसे बेस्ट है। बिल्कुल, ये बात से तो मैं एग्री करता हूँ कि इंडिया में, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें गरीब भी बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हैं, और अमीरों के लिए तो डेफिनेटली अगर टॉप 10 ऑल ओवर द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन की बात करें तो उनमें भी इंडिया के लोग काफी नजर आते हैं हमें। ये बताएं, आपने बोला मेड इन इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है इंडिया में, ना सिर्फ इंडिया में, अब बहुत तेजी से पूरी दुनिया में प्रमोट किया जा रहा है। मेड इन इंडिया का सफर, मेड फॉर वर्ल्ड, ये कब बना और कैसे बना? ये पब्लिक की विजन की वजह से बना। ये मैं सवाल पाकिस्तान की पब्लिक से पूछता हूँ, लेकिन आज आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि उनसे बेहतर डेफिनेटली इंडिया के बारे में आप जानते हैं, मेरे से बेहतर इंडिया के बारे में आप जानते हैं क्योंकि आप एक इंडियन हैं। ये मेड इन इंडिया या मेड फॉर इंडिया का कंसेप्ट मेड फॉर वर्ल्ड तक कैसे पहुंच गया और बहुत तेजी से पहुंच गया? देखिए, हमने कभी भी प्रमोशन किया नहीं, हमने कभी भी प्रमोशन किया नहीं। हुआ ऐसा कि मोदी जी के बदन पर जो कॉटन का वेस्ट कोट देखा गया,
हाथ में 5G का नेटवर्क देखा गया, या जिस तरीके से मैं पाकिस्तान चैनल पर बैठ करके अपने नेटवर्क के, अपने 5G के नेटवर्क के साथ आपसे बात करती हूँ, ना ब्लर होता है ना ग्लिच होता है। मुझे इलेक्ट्रिसिटी, मैंने कभी फोन पर नहीं बोला कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बाद में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, या अभी नेटवर्क नहीं है, बाद में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। और ये जो आप बात बात बा, हर 2 सेकंड के बाद जो आप अटक जाते हैं, तो ये हमें प्रमोट नहीं करना पड़ा। ये विदेशों को, यूएस को, अमेरिका को, सिडनी को, हर किसी को खुद में समझ में आ गया। देखिए, हालिया में अमेरिका में बहुत बहुत तारीफ की गई थी और वॉशिंगटन में, के हिंदुस्तान के पास एक कैसा एप्स है कि फोन टू फोन ट्रांजेक्शन्स होते हैं, यूपीआई से ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और एक पैसा भी ट्रांजेक्शन करने वाले का नहीं लगता है। तो इस पर जब बात उठी, तो ये उन लोगों की पहले डिस्कशन चली है, और तब जाकर के भारत के प्रधानमंत्री तक ये बात आई है। तो हमने हमने कुछ ऐड क्रिएट करके हमने कोई प्रमोशन नहीं किया है। आज जब दूर से लोग गूगल पे हमारे हिंदुस्तान के सड़कों को देखते हैं, आज जब दूर विदेशों से लोग हमारे हिंदुस्तान को इकोनॉमिकल बहुत इंप्रूव होते हुए देखते हैं, आज जब दूर देशों से गूगल पर और न्यूज चैनल्स पर जो जनता है बाहर देश की या पाकिस्तान की, वो जब अग्नि 5 और मुर्मुगाव जैसी चीजों को देखती है, हमारे हिंदुस्तान में लॉयर सबसे बेस्ट होते हैं, हमारे हिंदुस्तान के साइंटिस्ट सबसे बेस्ट होते हैं, हमारे हिंदुस्तान में जो जो खेत में कॉटन रुई उगाता है वो सबसे बेस्ट होता है, हमारे यहाँ चाश सबसे बेस्ट होता है, हमारे यहाँ फिश फिश सबसे बेस्ट होता है, हमारे यहाँ हैंडलूम तांत सबसे बेस्ट होता है, हमारे यहाँ का खाना सबसे बेस्ट होता है। सिडनी में तो आप जाइएगा तो वेजिटेरियन मोदी जी थाली भी मिलती है। तो हमने इसको प्रमोशन नहीं किया है, ये प्रमोट हो गया है। जस्टिन बीबर ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मुझे इंडिया का चिकन टिक्का बहुत पसंद आता है, वो टिक्का बेचारे बोल नहीं पा रहा था, जस्टिन बीबर एंड माई एज इज सिमिलर, तो वो बेचारा टिक्का बोल नहीं पा रहा था, तो वो अपने इंटरव्यू में कह रहा था कि इंडिया का मुझे चिकन टिक्की बहुत अच्छा लगता है। तो इंडिया को अपने फूड से लेकर के और अपनी सारी चीजों को प्रमोशन करने की जरूरत नहीं पड़ी है, इंडिया अपने आप प्रमोट हुआ है, अपनी क्रेडिबिलिटी की बदौलत, अपने एफर्ट के बदौलत, अपनी मेहनत के बदौलत। आज आपसे मैं बैठ करके, मैं दूसरी बार आपसे कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ, 1 सेकंड के लिए भी मेरा वीडियो अटकता नहीं है, मुझे प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, ये आप प्रमोट करेंगे कि भाई मैं तो नाजिया जी के साथ बैठता हूँ, उनका तो नेटवर्क बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी है। तो ये प्रमोशन अपने आप हो रहा है, क्योंकि ये मेड इन इंडिया जो है, ये 9 साल में हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का बनाया हुआ इंडिया है, स्मार्ट इंडिया है। बिल्कुल सो वी डोंट डेफिनेटली, नीड प्रमोशन। मुझे भी प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली ये जो लोग देखते हैं, चाहे इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, यूके, कनाडा, या जहां से भी उर्दू समझी जाती है, हिंदी समझी जाती है, वो लोग देखते हैं चीजें, खुद वो ऑब्जर्व करते हैं, बहुत डीप ऑब्जर्वर होते हैं देखने वाले। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान की अगर बात करूं, पाकिस्तान में हमेशा वावेला जो किया जाता है वो इंडियन मुस्लिम्स को लेकर किया जाता है, जबकि ये जो सामने मेरे बैठी हैं ये एक इंडियन है और ये एक मुस्लिम है। अगर ये इस तरीके से बात कर रही है, वो भी पीएम मोदी की गवर्नमेंट के बारे में बात कर रही है, तो फिर मुझे अपने जो है वो अकल को अकल के साथ सोचने की जरूरत है, हमारी गवर्नमेंट को अकल के साथ सोचने की जरूरत है कि हम किन मुस्लिम्स की बात करते हैं कि उन पे जुल्म हो रहा है। वो तो ये मुस्लिम्स बैठे हैं, और ये एक नहीं, इस तरीके से कई ऐसे यंगस्टर्स हैं, इस तरीके से कई ऐसी फीमेल जर्नलिस्ट हैं, अगर मैं नाम लूं, याना मीर है कश्मीर से, इसके अलावा और बहुत सी ऐसी जर्नलिस्ट जो कि मैं उनसे बात करता हूँ तो हैरान रहता हूँ। इवन मुझे ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं, हमारे लिए इनको हमदर्दी करनी चाहिए। मुझे ये बताइएगा, इस्लामोफोबिया की पूरी दुनिया में बात होती है, आप एज ए मुस्लिम, एज ए इंडियन, क्या इसके ऊपर राय रखती हैं? एक साइड पे इस्लामोफोबिया की बात होती है, दूसरी साइड पे लव जिहाद, या फिर 72 हूरों, या फिर इसके अलावा एक केरला स्टोरी जैसी मूवीज आती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? आपके हिसाब से इस्लामोफोबिया कहते किसको है, क्योंकि आप इस्लामिक देश में हैं, मैं देखिए, अभी मैं तो आपसे क्वेश्चन कर जवाब रहा दे। हूँ, आप अगर आंसर करेंगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कभी मैं आपके शो में आऊंगा तो आप जो मेरे से पूछेंगे मैं उसका आंसर करूंगा। देखिए, मैं तो अगर इस चीज को एक्सप्लेन करूंगी तो मुझे कहा जाएगा कि मोदी जी की चमची है,
ठीक है, जो मैं रोज सुनती हूँ। तो आप एक इस्लामिक देश से बैठे हुए हैं, मैं आपसे सिर्फ एक उर्दू में मीनिंग पूछ रही हूँ, आप लोगों की उर्दू ज्यादा अच्छी होती होगी, इस्लामोफोबिया को आप किस आप क्या कहते हैं? मतलब इस्लाम जो, अगर इसको पाकिस्तान में जिस नजरिए से बताया जाता है, मैं अपनी, देखें मैं अपनी ओपिनियन की नहीं, पाकिस्तानियों की ओपिनियन की बात करूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे अगर बात की जाएगी थोड़ा सा वो, तो मैं ये कहूंगा कि इस्लामोफोबिया का मतलब हमें ये बताया जाता है कि मतलब इस्लाम को लेकर प्रोपोगंडा किया जाता है, इस्लाम का जो डर है पूरी दुनिया में वो फैलाया जाता है कि इस्लाम के जो लोग हैं या इस मजहब के जो लोग हैं वो पूरी दुनिया में इस तरीके से दहशत को बढ़ा रहे हैं, तो इसे इस्लामोफोबिया हमें यहाँ पे बताया जाता है कि प्रोपोगंडा जो किया जा रहा है। मेरे रिप्लाई मैं जो अभी आंसर करने वाली हूँ उसको आप न्यूज़ से काटिएगा तो नहीं? कोशिश करेंगे कि ना काटे, मेरी, हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि जो भी चीज पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए वो हम पहुंचाते हैं बगैर कट के। तो पहले भी आपकी वीडियो बगैर कट के थी, अभी भी बगैर कट के जाएगी। तो हाँ, तो इस्लामोफोबिया, वेरी 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 नाइस टॉपिक, माय टाइप टॉपिक। कुरान कहता है 1,000 से ऊपर वॉर एंड बैटल, प्रॉफेट मोहम्मद के दो नाती हजरत ईसा और हजरत हजरत हसन और हजरत हुसैन, प्रॉफेट मोहम्मद के दो ग्रैंडसन हजरत हसन, और बैटल में इस्लाम और मुल्लाओं ने हमें बचपन से पढ़ाया, माँ बाप पुश्त दर पुश्त सबको सिखाया कि सबसे पहले इस्लाम आया, उससे पहले कोई धर्म ही नहीं आया। तो हजरत हसन और हुसैन का कत्ल किसने किया? मुसलमान ने किया। बीबी मरियम को डिफेम और डिप्राइव और इंसल्ट किसने किया उनकी प्रेगनेंसी पे? मुसलमान ने किया। हजरत नूह अलैहि सलाम को डिफेम और इंसल्ट उनकी कश्ती बनाने पर किसने किया? मुसलमान ने किया। 1,000 से भी ऊपर बैटल पावर और पोजीशन के लिए और वॉर, मक्का से लेकर के हिजाज से लेकर के हिकाक तक जो बैटल हुआ था, जो कुरान जिस चीज का गवाह है। तो एक्चुअली में यह जिहाद के नाम पर अजमल कसब जो बम लगा करके हिंदुस्तान में घुस जाता है, या हाफिज सईद जिहाद के नाम पर जो इतनी तबाही और वाहवाही और टेररिज्म एक्टिविटीज बिखेरता है, जिहाद के नाम पर जो टेररिज्म इंडस्ट्रीज काम करती है, सबके सब मुसलमान, तो क्या इस्लामोफोबिया इसी का नाम है? तो कुरान तो कह रहा है वॉर, कुरान तो कह रहा है होली वॉर, कुरान तो कह रहा है कि 1,000 से ज्यादा बैटल हुए हैं और खून बहे हैं। उस वक्त तो कोई हिंदू नहीं था, उस वक्त तो कोई भी जैन नहीं था, बुद्ध नहीं था, तो ये तो मुसलमान मुसलमान ने इतनी जंग लड़ी ना और इतने खून आपस के बहाए ना, तो ये तो झूठ नहीं है, ये तो झूठ नहीं है। ठीक है, क्या कुरान को भी नाउजु बिल्ला गलत कह देंगे ये लोग? सच बोलना कड़वा लगता है, लेकिन जो अजमल कसब जिहाद के नाम पर यहां आकर के मासूमों की जान लिया था, छोटे छोटे बच्चों की जान लिया था, प्रेग्नेंट औरतों की जान लिया था, माजूरों की जान लिया था, जईफों की जान लिया था, उसकी जवाबदेही कौन देगा? अगर कुरान ये सिखाता है तो मैं माफी मांगना चाहती हूँ कि गलत सिखाता है। ठीक, हमारे हिंदुस्तान के एक मौलाना है, मौलाना साजिद रशीदी, वो कहते हैं कि कुरान अकल का काम नहीं है, नकल का काम है। तो हम नकलची बंदर हैं क्या? हम यहाँ पर नकलची बंदर बैठे हुए हैं क्या? ये जो हमने इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं, हमने जो संविधान पढ़ा है, हमने जो कुरान को पूरा रिसर्च किया है, तो हम नकलची बंदर बैठे हुए हैं क्या? हम क्या करें? गोबर से बना हुआ अगरबत्ती जलाएं? हम क्या करें? मजार में जाकर के मुल्लों के कहने पर माथा फोड़े अपना? अगरबत्ती जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, शबे बारात में पटाखा फोड़े और ईद और रमजान में हरी हरी लाइट जलाएं? ये हमारा कुरान कहा है? और अगर कहा है तो नाउज़ु बिल्ला गलत कहा है। हमारे कुरान ने कहा है कि बेकसूर की जाकर के जान ले लो। क्यों मुसलमान खुद को काफिर नहीं बोलता है? क्योंकि हसन हुसैन की जान तो मुसलमान ने ली थी, तो मुसलमान को खुद को काफिर बोलना चाहिए? खुद से खुद की मुलाकात करने में डर लगता है क्या? ठीक है, अच्छा
मैं नादिया जी, मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा, जो मैं चीज ऑब्जर्व कर रहा था, आपसे पहले भी बात की, अभी भी बात कर रहा हूं, आपकी तरह के और भी बहुत से जर्नलिस्ट हैं, बहुत से एक्टिविस्ट हैं, जो जिनसे मेरी बात होती रहती है, ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड, कैमरा के सामने या कैमरा के बाद। तो मैं, एक सवाल मेरे मन में आता है, मेरे दिल में आता है, कि ये जो सोच मुसलमानों की इंडिया में आज के दौर में है, 2023 में, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि शायद ये पहले नहीं थी। मे बी मैं गलत हूं कि ये 1990s में नहीं होगी, ये 1947 से लेके 2020 तक इवन नहीं होगी। ये सोच कैसे बनी, कब बनी, ये आपस में अंडरस्टैंडिंग, जो हिंदू मुस्लिम है, जैन है, सिख है, इंडिया की जितनी भी कम्युनिटी है, आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसे हुई? देखिए, आपस की अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है, सरकमस्टांसेस, इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स लोगों के मुंह में जुबान दे देते हैं। और हमारे हिंदुस्तान का संविधान इतना ज्यादा स्ट्रांग है, हमारे हिंदुस्तान का कानून इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि हमें इस चीज की अनुमति देता है, हमें इस चीज की पावर देता है कि हम अपने लिए लड़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि 9 साल में ये बातें उठ रही हैं, नहीं, अजमेर शरीफ में जब नंगा नाच हो रहा था, हिंदू बच्चियों का बलात्कार हो रहा था, हिंदू बच्चियों का बलात्कार करके वीडियोग्राफी हो रही थी अजमेर शरीफ में 1992 में, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में 2007 तक चला, 2007 तक, इसकी लास्ट सुनवाई 2017 तक सुप्रीम कोर्ट में हुई। पांच मुसलमान चिश्ती परिवार के मुजाबिर कन्विक्टेड असामी हुए, अरेस्टेड हुए, तो क्या ये उस वक्त मोदी जी की सरकार थी? अब मैं आपको दूसरा इंसिडेंट बताती हूँ। 1984 में पहली बार शाहबानो और सायरा बानो ने ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने जाकर कहा कि 3 तलाक बंद किया जाए क्योंकि मुसलमान औरतों को अत्याचारित किया जा रहा है। बीजेपी की सरकार नहीं थी। ठीक है, 5 फरवरी 2012 हिंदुस्तान के वेस्ट बंगाल में दो मुसलमान भाई, नासिर खान और कादिर खान, ने एक फॉरेनर लड़की का रेप किया था। भरे बाजार, मूविंग कार में दारू पीकर, पब और डिस्को से नाचने के निकलने के बाद, तो क्या उस वक्त मोदी जी की सरकार थी जब वो फॉरेनर लड़की अपने इंसाफ के लिए गुहार लगा रही थी? पॉक्सो एक्ट, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार होता आया, उसको बंद करने के लिए कन्विक्शन कन्विक्शन की सजा दी गई, बेल पिटिशन का जो तरीका था उसको बैन कराया गया, तो क्या ये गलत कराया गया? ये क्या गलत कराया गया? देखिए, हमारा हिंदुस्तान एक संविधान पर चलेगा और चलता आया है। पॉलिटिक्स अलग जगह है, न्याय और कानून बिल्कुल अलग जगह है जो मोदी जी ने रखा है। कोई इंटरफेरेंस कानून और जनता के बीच में पॉलिटिक्स का नहीं आ सकता है, ना आया है 9 साल तक, 9 साल तक नहीं आया है और आगे भी नहीं आएगा। आज जितने भी कुरनीति, दुर्नीति, पाप और पाप का घड़ा भरा है, उसको बंद करना कानून के हाथ में है और कानून के पास ये अथॉरिटी है कि उसको बंद करना चाहिए। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, मैंने तो आपको अभी बहुत सारे इंसिडेंट्स बता दिए जो जिसमें जहां पर बीजेपी की सरकार, तो बहुत दूर की बात है, अपोजिशन में भी बीजेपी बहुत हल्का था, तब तो हर जगह सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस हुआ करता था। ठीक है, कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार हुआ, जो हमने अभी आपने द केरला स्टोरी की बात कही है, कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ है, कौन सा कुरान बताता है कि आप हिंदू पंडितों को धर्म परिवर्तन कराने के लिए आप उसकी बहू बेटियों की इज्जत आबरू छीन ले? ये कौन सा धर्म बताता है? अगर ये कोई धर्म बताता है तो इस धर्म को बंद हो जाना चाहिए, अगर ये कोई धर्म बताता है तो इस धर्म को बंद हो जाना चाहिए। बेटी आपके घर की हो या बेटी मेरे घर की हो, इज्जत इज्जत होती है, औरत की इज्जत औरत की इज्जत होती है। अगर बाजार में एक औरत नंगी होती है ना, तो इस समाज की सारी औरतों की नजर झुक जाती है, क्योंकि शरीर एक जैसा होता है, इज्जत एक जैसी होती है, आबरू एक जैसा होता है। मैं हिंदू और मुसलमान में तफरका ना की हूं और ना करूंगी। अगर किसी सीता नाम की लड़की का रेप होगा तो भी नाजिया
अपनी जान दे करके भी उसको उसको इंसाफ दिलाएगी, और अगर किसी रहीमा का रेप होगा तो भी नाजिया अपनी जान दे करके उसका इंसाफ दिलाएगी। क्योंकि मेरी नजर में मेरे जेंडर का, मेरे फीमेल जेंडर का बहुत वैल्यू है, अ पार्ट ऑफ कास्ट एंड क्रीड। मैं अगर औरत हो करके औरत जात की इज्जत ना रख पाई तो फिर हिंदू और मुसलमान की इज्जत रखना तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। ऐसा ही है। और अगर हम इंसान होके इंसानियत की इज्जत नहीं कर पाते तो फिर हिंदू मुस्लिम होना भी एक बहुत अलग कंसेप्ट आता है। लास्ट में मुझे ये बताइएगा, ये जो हम डिबेट करते हैं, ये जो हम इंडिया से या पाकिस्तान से खासतौर पे यूथ आपस में बात करते हैं, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे रिलेशंस पे, कुछ बेहतरी आएगी, सोच बदलेगी खासतौर पे पाकिस्तान की यूथ की, या फिर कोई फायदा नजर नहीं आता? देखिए, अभी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा यूथ एम्पावरमेंट की बात हो रही है, वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात हो रही है, कल्चरल की बात हो रही है, हेरिटेज की बात हो रही है, हमारे यहाँ एडुकेशन की बात हो रही है, हमारे यहाँ सिविलाइजेशन की बात हो रही है, हमारे यहाँ हिस्टोरिकल चीजों को की बात हो रही है। इन चीजों पर बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है, बड़े बड़े यूथ को एम्पावर करने की बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है, बहुत सारे स्कॉलरशिप्स बच्चों को दिए जाते हैं ताकि गरीब बच्चे भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकें। तो इतनी सारी फैसिलिटीज जो यहाँ दी जा रही है, आपके यहाँ तो तुरंत डिस्क्रिमिनेशन कर दिया जाएगा। औरत का काम है बच्चा पैदा करना, क्योंकि शरिया बोलता है। औरत औरत को हलाला कराया जाएगा, हलाला के नाम पे प्रोस्टिट्यूशन कराया जाएगा, ये शरिया बोलता है। चार शादियां मर्द करेंगे मुसलमान मर्द, लेकिन चार बच्चे अडॉप्ट नहीं करेंगे, चार बीवी रखेंगे, क्योंकि उससे ठरक पूरा होगा। I'm so sorry, लेकिन मैं ऐसा ही जवाब देती हूँ, मैं ऐसा ही जवाब देती हूँ। चार बच्चे पालेंगे यतीम के तो वो शायद अल्लाह की नजर में अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन चार बीवी रखेंगे तो वो सुन्ना पूरा हो जाएगा। मैं ऐसी चीजों को बुलशेट बोलती हूँ। ठीक है मैम, अगर लेकिन मैं मर्द होती, जी, मैं ये पूछना चाह रहा था। अगर मैं मर्द होती तो मैं चार चार अनाथ बच्चे पालती, मैं चार बीवियां कभी नहीं पालती। जबरदस्त, अच्छी बात है, ऐसी सोच होनी चाहिए। मेरा सवाल ये था कि जो हम डिबेट करते हैं, जो बात करते हैं, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, या कुछ चीजें हम हमारी वजह से आप देखते हैं, तो क्या इससे आने वाले टाइम में इंडिया पाकिस्तान की रिलेशन में या खास तौर पे सोच में कोई फर्क आएगा पाकिस्तान की यूथ की, जो लोग ये देखते हैं, या खास तौर पे हम लोग ये जो प्रोग्राम करते हैं या कोशिश करते हैं, इसका कोई फायदा है या नहीं? देखिए, आप लोग जो भी हम लोगों से डिस्कस करते हैं, कन्फ्रंटेशन करते हैं, हम इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। हम इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम एडुकेशन की